सुप्रभातम् सर्वेभ्यो नमो नमः सर्वेषां स्वागतम् मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानम् दरभंगा अद्य अहम् भवतां समक्षे कक्षा अष्टम् विषयः संस्कृत व्याकरणम् प्राकरणम् तृतीय तत्पुरुष समासः इति विषयं धीकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि अद्य तृतीय तत्पुरुष समास अध्ययनस्य पञ्चदिवसः अस्ति छात्रों आज के क्लास में मैं तृतीय तत्पुरुष समास के बारे में उदाहरण के माध्यम से पढ़ाने जा रहा हूं। तो कल तक हमने तत्पुरुष समास में ज्ञानहीन समासिक पद तक पढ़े थे। आज मैं वाक् कलह से प्रारंभ करता हूं। तो जो समासिक पद हैं वो हैं वाक् कलह। वाक् कलह, अब ये वाक् शब्द जो हैं वो पूर्व पद हैं और जो कलह शब्द हैं वो उत्तर पद है। तो वाक् का जब हम पूर्व पद में लौकिक विग्रह करेंगे तो वाक् से बन जाएगा वाचा। व्याकरण का ऐसा सूत्र है जो कहीं पर अस्तुत्य होता है तो कहीं पर कुत्व होता है तो कहीं पर जस्त होता है। तो ये वाक् शब्द जब लौकिक विग्रह करेंगे तो वाक् शब्द से वाचा बन जाएगा करण कारक तृतीय पुरुष के एक वचन में। और जो उत्तर पद हैं वो पूर्ववत् सदृश ही रहेगा। तो वाचा कलहा इति वाक् कलहा, वाचा कलहा इति वाक् कलहा मतलब होता है बातचीत से झगड़ा। वाक् कलहा समासिक पद का अर्थ होता है बातचीत से झगड़ा। अब हम दूसरा उदाहरण में लें तो आचार निपुणः, आचार निपुणः ये समासिक पद का अर्थ होता है जो आचार में निपुण है वही आचार निपुणः कहलाता है। आचार में निपुण अर्थात जो आचार में निपुण है वही आचार निपुणः कहलाता है। और जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो जो आचार पद हैं वो पूर्व पद हैं तो वो करण कारक तृतीय पुरुष के करण कारक तृतीय विभक्ति का एक वचन में परिवर्तन होगा। तो आचार शब्द से आचारेण शब्द बनेगा। और जो उत्तर पद हैं निपुणः हैं वो निपुणः शब्द पूर्ववत् सदृश ही रहेगा। तो हम इस तरह से
तत्पुरुष आवास का लौकिक विग्रह कर सकते हैं जो आचारेण निपुण इति आचार्य निपुण आचारेण निपुण इति आचार्य निपुण अर्थात आचार में निपुण। अब हम तीसरा यदि उदाहरण के माध्यम से ले तो गूढ़ मिश्रा। अब ये गूढ़ मिश्रा का अर्थ होता है गूढ़ से मिला हुआ। गूढ़ मिश्रा का अर्थ होता है गूढ़ से मिला हुआ। यदि कोई पर में कहीं पर में हम यदि इसका ऐसे करके वाक्य बनाएंगे जो गूढ़ से मिला हुआ तो लंबा चौड़ा दिखेगा। तो समासिक पद का हम जब प्रयोग करते हैं तो किसी भी पद को अर्थात किसी भी शब्द को जो विस्तृत रहता है अर्थात फैला हुआ रहता है उसको संक्षिप्त यानी शॉर्ट में जो है सो काम हो जाता है। तो अब गूढ़ मिश्रा तो गूढ़ शब्द पूर्व पद शब्द है तो गूढ़ से करण कारक तृतीय विभक्ति का एक वचन में रूप बनता है गूढ़ेन। और मिश्रा जो उत्तर पद है वो पूर्ववत् सदृश ही रहेगा तो गूढ़ेन मिश्रा इति गूढ़ मिश्रा यानी गूढ़ से मिला हुआ। अब हम दूसरा यदि उदाहरण में ले तो आचार सलक्षण आचार सलक्षण। चौथा यदि हम उदाहरण के माध्यम से देखें तो है आचार सलक्षण। अब आचार शब्द जो है वो पूर्ववत् शब्द है और सलक्षण शब्द जो है वो उत्तर पद है। और आचार सलक्षण का अर्थ होता है आचार में सहज। आचार में सहज वही आचार सलक्षण कहलाता है। और जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो आचार शब्द से करण कारक तृतीय विभक्ति का एक वचन में परिवर्तन होगा और सहज शब्द जो है वो पूर्ववत् सदृश ही रहेगा। तो आसलक्षण शब्द जो है वो पूर्ववत् सदृश ही रहेगा। तो आचारेण सलक्षण इति आचार सलक्षण। पांचवा यदि हम उदाहरण के माध्यम से लें तो मात्रे सदृश मात्रे सदृश। अब ये मात्रे सदृश का अर्थ होता है माता के समान। मात्रे सदृश का अर्थ होता है माता के समान। और ये मात्रे शब्द है पूर्वपद शब्द है और जब हम इसका लौकिक विग्रह करेंगे तो मातृ शब्द से करण कारक तृतीय विभक्ति का एक वचन में मात्रा शब्द बनेगा। और सदृश जो उत्तर पद शब्द हैं वो पूर्ववत् सदृश ही रहेगा। तो मात्रा सदृश इति मातृ सदृश मात्रा सदृश इति मात्रे सदृश। अब हम छठा यदि उदाहरण में लें तो नेत्रहीन का अर्थ होता है नेत्र से रहित। नेत्रहीन समासिक पद का अर्थ होता है
नेत्रों से रहित। और जब ये नेत्र शब्द करण कारक तृतीय विभक्ति का एक वचन में परिवर्तन होगा तो नेत्राभ्याम बनेगा, क्योंकि वाक समासिक पद है नेत्रहीना। तो जो हम लोगों के पास आंख है वो तो एक है नहीं, दो हैं। तो जब दो हैं और दोनों से कोई विहीन है तो वहां पर में क्या होगा, तो द्विवचन का प्रयोग होगा। तो चूंकि नेत्रहीना शब्द जो है तो यानी दोनों नेत्र से वो रहित हैं, तो इसलिए करण कारक तृतीय विभक्ति का द्विवचन में नेत्र शब्द से नेत्राभ्याम बना है और हीना शब्द पूर्ववत सदृश ही रहा है। तो नेत्राभ्याम हीना इति नेत्रहीना। अब हम यदि आगे की बात करें, समासिक पद है घृत पक्वम। घृत पक्वम का अर्थ होता है घृत से पका हुआ। अब घृत शब्द जो है वो पूर्वपद शब्द है और पक्वम शब्द जो है वो उत्तर पद शब्द है। तो प्रधान पक्वम शब्द है, तो अब ये घृत शब्द से जो है वो करण कारक तृतीय विभक्ति का एक वचन में घृतेन बनेगा और पक्वम शब्द पूर्ववत सदृश ही रहेगा। तो घृतेन पक्वम इति घृत पक्वम, यानी घृत से पकाया हुआ। उसके बाद पाद खंजा है। पाद खंजा समासिक पद का अर्थ होता है पैर से लंगड़ा। पाद खंजा समासिक पद का अर्थ होता है पैर से लंगड़ा। और पाद शब्द जो है वो पूर्वपद शब्द है और खंजा शब्द जो है वो उत्तरपद शब्द है। तो पूर्वपद शब्द में करण कारक तृतीय विभक्ति का एक वचन में परिवर्तन होगा तो पाद शब्द से करण कारक तृतीय विभक्ति का एक वचन में पादेन बनेगा और खंजा शब्द जो है वो पूर्ववत सदृश ही रहेगा। तो इस तरह से लौकिक विग्रह कर सकते हैं, पादेन खंजा इति पाद खंजा। और आज का क्लास मैं यही समापन करता हूं। नेक्स्ट क्लास में हम पुनः तृतीय तत्पुरुष समास के बारे में आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम्। जयतु भारतम्।